राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम सर्दी। बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। वो दोनों अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी के नीचे बने सुंदर से छोटे से घर में रहती थीं। उस पहाड़ी के पास बाग में फूल और फल के कुछ पेड़ भी थे। एक दिन उनकी मां ने उन्हें वहां से फल लाने के लिए कहा। सोना और रूपा फलों के बाग में गईं। वहां उन्होंने सेब से लदा एक पेड़ देखा। सेब तोड़ने के लिए सोना ने हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अरे अरे, ये किसकी आवाज है रूपा? शायद बाग वाली अम्मा की है सोना दीदी। तभी उन्होंने देखा एक स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। वो बहुत गोरी है, उसके बाल लंबे और सफेद हैं और बालों पर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं। उसे देखकर रूपा बोली, अम्मा जी। हाँ बच्चों। क्या हम कुछ फल तोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तोड़ लेना, जरूर तोड़ लेना, पर पहले मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सवालों का जवाब तो हम दे देंगे, पर आप हैं कौन? मैं सर्दी अम्मा हूँ, यानी एक मौसम हूँ। जब मैं आती हूँ ना, तो तुम लोगों को बहुत ठंड लगती है। दिन में गर्म कपड़े और रात को रजाई ओढ़नी पड़ती है। सबको धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। ओ, तो आप सर्दी अम्मा हैं? हाँ, मुझे सर्दी यानी जाड़ा भी कहते हैं। जब मैं आती हूँ ना, तो ढेर सारे फल फूल सब्जियाँ और भी बहुत सारी चीजें लाती हूँ, जैसे तुम्हारे लिए तिल की मीठी मीठी रेवड़ी। रेवड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो मूंगफली भी। तो तुम्हें मूंगफली अच्छी लगती है। गाजर का हलवा भी खाती होगी क्यों? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाजर, मूली, सेब, संतरे, अंगूर, अमरूद, सब कुछ मेरी ही मौसम में तो होता है। सर्दी अम्मा आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाती हैं। इसी बात पर तुम्हें एक गीत सुनाती हूँ। गीत? हाँ, गीत। हाँ, सुनाओ अम्मा, सुनाओ। गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, पालक, मूली, शलगम खाकर। गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, पालक, मूली, शलगम खाकर। धूप में दिन भर मजे उड़ाओ, धूप में दिन भर मजे उड़ाओ। खेलो कूदो धूम मचाओ, खेलो कूदो धूम मचाओ, खेलो कूदो धूम मचाओ। कितना अच्छा गीत था। सर्दी अम्मा, इसे तो जुकाम हो गया। गर्म कपड़े ठीक से नहीं पहनोगी तो और क्या होगा, खांसी जुकाम तो होगा ही ना।
लगता है इसे ठंड लग गई है। मेरे मौसम में ठंड से बचकर रहना चाहिए, गर्म कपड़े ठीक से पहनने चाहिए। चलो अब थोड़ी देर धूप में घूमते हैं। एक त्योहार ऐसा है जो दिसंबर के महीने में आता है, उसका नाम क्या है जरा सोच कर बताओ तो जानू। दिसंबर के महीने में दिसंबर, हाँ उसे बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन और उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस, ये तो हमें पता था। एक त्योहार और है जो जनवरी यानी मेरे ही मौसम में आता है, जब पूरा देश खुशियां मनाता है। जनवरी में पूरा देश खुशी मनाता है। और तुम लोग उस दिन परेड देखने जाते हो। और तरह तरह की झांकियां भी। छब्बीस जनवरी है। हाँ बच्चों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हमें तो उस दिन स्कूल में मिठाई मिलती है। और पता है हमारे स्कूल में तो झंडा भी फहराते हैं। अच्छा? हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सर्दी अम्मा अब बहुत अच्छी है। अब आप और सवाल पूछो ना। अब सवाल खत्म। तुम जाकर फल ले लो, पर देखना पेड़ों को कोई नुकसान न हो, यानी डालियां पत्ते ये मत तोड़ना। ठीक है अम्मा। ठीक है सर, चल जल्दी चल। चलते मैं अमरूद खाऊंगी। ठीक है, मेरे को सेब चाहिए। हाँ ठीक है। चलो। और सोना और रूपा सर्दी अम्मा से मिलकर फल लेकर खुशी खुशी घर लौट गईं। सर्दी, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख मोहिनी राव, कलाकार नीरज शर्मा, जयश्री अरोड़ा, आरती और तुषिता, संगीतकार विनोद शर्मा, ध्वनियंकन दीपक पांडे, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और संजय सक्सेना, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।